What's up, aspirants? Hope you are doing great. And here I am, your motivator, your companion and guide, none other than aspirant Srishti. Oye, school life khatam ho chuki hai and college mein aake confused ho ki job kaun si karni. So, Union Public Service Commission, UPSC, Civil Services exam, one of the toughest exam in the world. Matlab, ये जितना नाम्स में सुनने में बड़ा है ना, इसका प्रिपरेशन इससे भी बड़ा है, ठीक है. एंड अगर आप कर रहे हो, ऑफ कोर्स आई नो कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तभी आप मेरे वीडियो में आए हो. आपको बस प्रॉब्लम ये है कि आपको पता नहीं है कि फ्रॉम व्हेन, वेयर एंड हाउ. उनको ये तीन चीज़ों के जवाब चाहिए कि पहले तो व्हेन, मतलब कब से स्टार्ट किया जाए, एंड फ्रॉम वेयर, कहाँ से स्टार्ट किया जाए, एंड हाउ, मतलब कैसे स्टार्ट किया जाए. तो व्हेन एंड वेयर के जवाब तो मैं इसी वीडियो में दे दूंगी, क्योंकि ये यूपीएससी डे वन है. एंड बाकी ये हाउ का तो जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में दे पाऊंगी, क्योंकि मुझे आपको स्टेप बाय स्टेप लेके जाना है, क्योंकि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. एक बार में आपको भी नहीं चाहिए सब कुछ कि आज ही यूपीएससी डे वन सीरीज मैंने स्टार्ट की और आज ही मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया, तो फिर आगे वीडियोस में मैं क्या डालूंगी. एंड अगर मैं एक ही साथ सब डाल दूँ तो आपको भी पार होने वाली है, इसलिए वी आर डूइंग स्टेप बाय स्टेप. ओके, हम लोग थोड़ा थोड़ा करके ही आगे बढ़ेंगे. एंड मुझसे जितना हो सकेगा, मैं भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ. आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी 2027, क्योंकि मैं अभी कॉलेज सेकेंड ईयर में हूँ. और मैं आपको ये बताने वाली हूँ, अलॉन्ग विथ माय स्टडी व्लॉग्स, डेली व्लॉग्स, टेक्निक्स, मेथड्स, जो कुछ भी है मेरे, मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. मुझसे जितना हो पाएगा मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगी, कन्फ्यूजन्स क्लियर करूँगी, क्वेश्चंस जो जो आपके माइंड में आएंगे वो क्लियर करूंगी. मतलब मैं करंट अफेयर्स कहाँ से प्रिपेयर करती हूँ, रेफरेंस बुक में कौन कौन से फॉलो करती हूँ, और अगर आपको घर में बैठ के यूपीएससी क्लियर करनी है तो वो कैसे कर सकते हो, क्योंकि मैं भी घर में बैठ के ही कर रही हूँ. मैंने कोई कोचिंग नहीं ली तक, अभी तक तो नहीं लिया है. इन फ्यूचर अगर मुझे लगा तो वो देखा जाएगा, बट मैं सेल्फ प्रिपरेशन अभी कैसे कर रही हूँ, मैं ये आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. जितना हो सके प्रोवाइड करूँगी, जितना शॉर्टली, क्योंकि यूपीएससी हार्डवर्क नहीं ढूंढती है. यूपीएससी में जितना हो सके आप स्मार्ट वर्क करो, मतलब आप स्मार्टली जितना हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करोगे, यूपीएससी आपके इतना करीब आते जाएगा. जितना आपसे हो सके आप बस करो, आप एफर्ट्स देते जाओ. आप रिजल्ट्स के बारे में मत सोचो. अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाता है इज द बेस्ट थिंग, बट अगर नहीं भी होता है तो आपको हार नहीं माननी है. आप जनरल से हो, आपके पास 6 अटेम्प्ट्स है. आपके आप अगर ओबीसी में हो तो आपके पास 9 अटेम्प्ट्स है. अगर आप एससी एसटी बैकग्राउंड से हो तो आपके पास अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है. बट टिल एज, यहाँ पे एक एज लिमिट होती है, अनलिमिटेड 6, 4, 9 जो भी मैं बोल रही हूँ वो एक एज तक है. वो चीज़ मैं आपको आगे के शॉर्ट वीडियोज़ में आपके साथ थोड़ा थोड़ा करके शेयर करती रहूँगी, मुझसे जितना हो सकेगा. आई नो यूपीएससी का भी बहुत क्रेज़ चल रहा है, मतलब आप देखते होगे दूसरों की लाइफ, आप इंटरव्यूज़ देखते होगे, यूट्यूब में हर एक चीज़ अवेलेबल है. आप इंटरव्यूज़ देखते होंगे, दूसरों के वीडियोज़ देखते होंगे, मतलब फ़ैन वीडियोज़ देखते होंगे. आपको भी मन करता होगा कि काश मेरी लाइफ होती वो, तो वो हो जाएगी, क्यों नहीं होगी. नथिंग इज इम्पॉसिबल जब तक आप उसमें ना जाओ. तो मैं हूँ यहाँ आपको हेल्प करने के लिए. मतलब मैं बहुत सारे तरीके, अगर व्हेन की बात करो तो कोई ये नहीं है, सर्टेन लिमिट नहीं है कि हाँ मुझे ये अब से ही स्टार्ट करने चाहिए. नहीं, मैं थर्ड ईयर में जाऊँगी तब स्टार्ट करूँगी, मैं फोर्थ ईयर में जाऊँगी तब स्टार्ट करूँगी. हाँ ऑफ कोर्स, अब कॉलेज 4 साल हो चुका है, एंड कोई सोचता होगा कि नहीं मैं ग्रेजुएशन करके फिर करूँगा या करूँगी. एंड कोई तो ऑफ कोर्स 11 में ही सोच लेता है कि हाँ मैं यूपीएससी करूँगा या करूँगी, एंड तब से ही प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है. या फिर कोई बहुत, कोई मैंने देखा है, ऑफ कोर्स मैंने देखा है कि जॉब छोड़ के वो करते हैं. लेकिन मैं जितना हो सके उतना मैं ट्राई करूँगी कि आपके साथ शेयर करूँ.
मतलब अपना स्केड्यूल शेयर करूँ, अपने टाइम टेबल्स मैं कैसे फॉलो करती हूँ, मैं कॉलेज लाइफ अलॉन्ग विथ माई करियर मैं कैसे सब कुछ मैनेज करती हूँ। क्योंकि जितना आप डरोगे उतना ही आपके माइंड में डर बैठेगा कि नहीं मैं नहीं कर सकता। बस थिंक पॉजिटिव, आप इंस्पिरेशंस लो किसी किसी से, आप नॉवेल्स पढ़ो, बड़े बड़े साइंटिस्ट हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए, मतलब किसी एक चीज को अपने लाइफ में मोटिवेशन बनाओ। या तो अपने लाइफ में किसी को श्रद्धा बनाओ या अपने लाइफ में किसी को आरती शुक्ला बनाओ, वो आपके ऊपर डिपेंड है। फिल्मी लाइन हो गई, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। अपने लाइफ में किसी को एक मोटिवेशन बनाओ। अगर आप अपने फैमिली से प्यार करते हो तो आप अपनी मम्मा को बनाओ, पापा को बनाओ, किसी को भी एक मोटिवेशन बनाओ अपने लाइफ का, जिसके लिए आप करो, ठीक है। आपको हर दिन लगेगा कि नहीं आज, क्योंकि आप अगर एक बार जर्नी में उतर गए ना तो आपको हर दिन लगेगा कि नहीं आज नहीं हो पाएगा या फिर अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं हो सकता, इतने बुक्स है, इतने सिलेबस से कैसे कंप्लीट होगा। लेकिन नहीं, वो मोटिवेशन आपको उसी दिन हेल्प करने वाला है कि नहीं आप अगर उस दिन हार मान गए ना तो आपके माइंड में वो चीज आएगी, वो इंसान आएगा कि नहीं इनके लिए करना है यार, हार कैसे मान सकते। आप घर से भी कर सकते हो, आप कॉल, ये आप कोई अलग से कोचिंग भी ये कर सकते हो, ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप ज्वाइन कर, आपका अगर बजट कम है तब भी आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो। मैंने बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, फ्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जहाँ से आप हर एक चीज की तैयारी कर सकते हो, मैंने वो भी प्रिपेयर करके रखा है, तो वो सारे एक एक करके मेरे शॉर्ट वीडियोस में आने वाले हैं। मैं मोस्ट ऑफ द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अब मेरे नेक्स्ट वीडियोस में यूपीएससी डे टू सीरीज में आएगा कि मैं कौन कौन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ती हूँ, कहाँ आपको अगर एक्यूरेटली गूगल से आप या फिर कहीं से डाउनलोड नहीं करना चाहते हो, आपको सारे बुक्स के नाम, उसके बाद आपको सारे चैप्टर्स, इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, नोट्स, ये सब आपको कहाँ से मिलेंगे, ये सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन, कि आपको आगे मेरी सीरीज के वीडियोज़ मिलते रहें। बस आपका सपोर्ट चाहिए गाइज, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने नया चैनल स्टार्ट किया है एंड प्लीज़ गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है, अगर आपको लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं आपकी यूपीएससी एकदम क्लियर करवा के रखूँगी, नहीं, मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, आप भी एक एस्पिरेंट हो, हम दोनों साथ में मिलकर तैयारी करेंगे ना, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, आपको हर एक स्टेप पर मेरी गाइडेंस मिलने वाली है, ठीक है।